राज्यों में जिस तरह से हमने भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंका है, उस वक्त मैं ये बताना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों को जिन्होंने हिंदुत्व का नारा देकर पूरे देश को खंडित करने का एक कुचक्र चला है। कांग्रेस पार्टी के लोग, मैं मुसलमान हो करके मैं कह रहा हूँ कि भारत माता की जय कहने में हमें कोई एतराज़ नहीं है, वंदे मातरम कहने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है, और मंदिर का ताला हमने खोला था, मंदिर भी हम वहीं बनाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सम्मान करते हुए उनके आदेश के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट जैसा आदेश करेगा वहीं पर मंदिर बनेगा। मैं इस बात के साथ कहना चाहता हूं कि अभी 2019 में हम इसी बात को लेकर के हम चुनाव के मैदान में जाएंगे कि राम मंदिर वहीं बनेगा, अयोध्या में बनेगा, और जहां सुप्रीम कोर्ट आदेश करेगा वहीं बनेगा। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी पूरे देश के अंदर एक लहर पैदा करेंगे। ये उत्साह कांग्रेसियों का नहीं, ये एक जो कार्यकर्ता हमारे हैं और ये देश की जनता है, वो जनता इस जो झूठ थी, जिस तरह से झूठ बोल करके जनता को बरगलाया जा रहा था, जिस तरह से तमाम पीएम इस तरह से झूठ बोले, ये देश में पहली बार हुआ, ये जनता अब जान चुकी है, ये उसी का परिणाम दिया है जनता ने, और आने वाले वक्त में ये और भी बड़े रूप में उभर के आने वाला है।